गुड मॉर्निंग। अच्छा गुड मॉर्निंग तो कहते हो। गुड मॉर्निंग। आर यू गुड मॉर्निंग? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। आप जा रहे हो घर? हमारा एंट्रेंस है थर्ड फ्लोर पे, हमने दिखाया हुआ है आपको। ये है ग्राउंड फ्लोर, हम चेकआउट कर रहे हैं। गुड जॉब। अरे शानवी क्रैंकी हो रही है क्योंकि उसका नीनी टाइम हो रहा है। सुबह सुबह 6 o'clock उठ के इसने सबको उठा दिया। पहले मुझे उठाया, बस 6:30 आर्यवीर को और इनको भी उठा दिया था। तो अब इसका तो नीनी टाइम हो गया है। छोड़ो छोड़ो, ये क्या कर रहा है? किसको बुला रहे हो आप? कबूतर को बुला रहे हो? कैसे बुला रहे हो कबूतर को? आओ, फिर क्यों बुला रहे हो? कितने प्यारे कबूतर आ जाएगा तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? कबूतर आएगा तो आप क्या करोगे? चांदी देखो आ गया। और देखो आ गया। हमारी गाड़ी है? नहीं वो नहीं है बेटा, हमारी गाड़ी। देखा कि फतेहपुर सीकरी भी हमारे रास्ते में ही पड़ेगी, तो शायद हम फतेहपुर सीकरी रोके। बट प्रॉब्लम ये, मैंने चप्पल पहनी हुई है। चप्पल से एंट्री नहीं है फतेहपुर। एंट्री है बट लाइक इतनी सारी वॉकिंग कैसे करूंगी? रोड ट्रिप का तो यही फायदा है ना, कोई भी चीज रास्ते में दिखे तो उसको एंजॉय करते हुए चलो। हां वो तो है। और शानवी का बांधने वाला भी बैग में बंद है। वो ले लेना जो ताजमहल में वो मिलते है ना, शू कवर्स, उससे तुम्हारी चप्पल दिखेगी नहीं। दिखने की बात ही, चलने में दिक्कत आएगी। चल अगर मौका लगेगा तो एक बार बैग खोलना पड़ेगा, क्योंकि शानवी के दोनों कैरियर्स बंद है अटैची में। अच्छा। मैं तो उसी सेंस में चली थी ना कि जाके सीधे होटल रुकेंगे। चलो देखते हैं, देखते हैं अगर पार्किंग में 2 मिनट लगा के निकाल सके, है ना। एक आर्यवीर वाली अटैची में है, वो तो छोटी सी है ना, वो जल्दी से खुल जाएगी। तो हाँ देखते हैं, चलो चलते हैं। मैं तब तक गूगल पे पढ़ रही हूँ फतेहपुर सीकरे के बारे में, एंड वहाँ पहुँच के आप लोगों को भी दिखाते हैं। हम लोग पेठा लेना लाइक रह गया हमारा, हमें वापसी में लेना था बट रास्ते में गूगल मैप्स में किसी दूसरे रास्ते से लेके आया, जो एक्चुअल रास्ता था जाने का उसमें 30 मिनट्स का डिले था, तो हम किसी और रास्ते से जा रहे हैं। और एक नया रास्ता था, तो एनीवेज यहाँ पे हमें पेठे वाले को ढंग के नहीं मिल रहे। एक तो शॉप। अच्छा एक बात बताना, जो लोग आगरा से हैं, 2 questions थे हमारे पास। एक, ये इतने सारे पंछी पेठे वाले क्यों है? क्या इज देयर लाइक ओरिजिनल कौन सा है? एंड दूसरा, जो आपकी ये रेड लाइट्स है इसमें ये VAC क्या लिखा होता है? मतलब दिल्ली में तो नहीं होता ऐसे कुछ कि रेड लाइट पे VAC लिखा होता है, या तो काउंटडाउन होता है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। तो हमें समझ में नहीं आया कि ये VAC क्या है, तो ये बताना हमें कि क्या होता है काउंटडाउन में, तो जैसे उल्टी काउंटिंग। चलो चलते हैं, देखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। Thank you.
खास है जहाँ इम्पोर्टेंट मीटिंग होती थी वीआईपी एंड स्टफ। ये सामने बसी जैन बुद्धिस्ट और इस्लाम, अरे वाह, यानी सबका साथ सबका विकास की भावना। ये लोटस, ये तो लोटस हो गया, हिंदू धर्म हो गया, वो जो लाइन है हाँ गॉथिक टाइप का है, लोटस का है लोटस, ये ऊपर लोटस, ये ईरानी जी, ऐसा समझे ब्रह्मा जी की मूर्ति रख दी थी तो ये लगेगा जन्म मोदी जी को अकबर जी विराजमान करके गए। और यहाँ डायमंड भी थे, असल में जो ताजमहल है ना वो कोई इमारत नहीं है, वो मुमताज का कैप है, ताजमहल। और यहाँ भी डायमंड थे उस समय, हीरे वगैरह डायमंड। मैं बरसों से लग रहा हूँ अगर कभी मिलेगा तो आपको 20% वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। हालांकि ये सामने हमाम है, शायद किसी शॉप पे लिखा देखा होगा हमाम शॉप, टर्किश बात है हाँ। जो वॉशरूम होता है, नाम है खजाना, हो गया पुराना और एक लाइन में भी हो गया खजाना है, खजाना पुराना, यहाँ पे खजाना रखते थे, अरे भी पैसे रखते थे पुराने तो देख रहे होते थे। हाँ यहाँ पे जो पुलिस होती है ना आर्मी, यहाँ भी दरवाजे थे चलते, और यहाँ जो ताला होता है ना, यानी अदर पर्सन कुड नॉट परमिट, ये बेडरूम में नहीं है, ये केवल पैसा जमा करने के लिए फर्नीचर होते हैं, उनके ड्रेस हैं। तो ये आपने पुराने मकान में देखा होगा, ऐसे जो मकान होते पुराने उसमें छुपा के रखते हैं ना, बस हाथ मत डाली आज तक मुझे पान परा कर रेबर ही मिला। अच्छा स्टोन पीस से बनता था सर, अच्छा। टॉयलेट बना हुआ है, ओरिजिनली हम मैटरनिटी हॉस्पिटल था बट अब काफी ज्यादा रून हो चुका है। यहाँ एस्ट्रोलॉजर बैठते सर, इधर एस्ट्रोलॉजर, ये वो बैंक है, दीवाने खास उधर, दीवाने आम, ये डाइनिंग हॉल है एक तरफ नॉन वेज एक तरफ वेज। यहाँ तीन रानियाँ थी, अकबर 15 साल रहा था, 15 साल रहा था यहाँ पे। आई भी दूर रहो, ये वेल है, स्टेप वेल, अभी अंकल बताएंगे आपको इसके बारे में। हम लोग कोई शुभ काम करते हैं आगे, ये तुलसी और ये खजूर, हिंदू हो या मुस्लिम सबका साथ। यहाँ आप देखते सर थोड़ा कॉम्बिनेशन है, यहाँ बनाना भी है, खजूर भी है, गुलाब जो नेशनल फ्लावर है ईरान एंड प्लस इंग्लैंड यूके, यहाँ कुछ भी और भी है, लायन है, टाइगर है, ग्रीन पैरट है, इनका सिर नहीं है क्योंकि इनकी आंखों में गिरा था डायमंड। तो पहले तो लूटा है ये सूरजमल खलीफा ने जो राजा थे, और उनके चाइनीज ड्रैगन, तो ये देखिए यहाँ तानसेन पहले से तार बजाता था,
ये छोटा सा पॉट है, असल में इसमें पानी भर दिया था, उसमें खुशबू डाल दी, लेकिन कुछ राइटर ने मेंशन किया है कि गंगा जल, गंगा जल असल में गंगा जल जो पहाड़ियों से, वो टिप वाली फोटो है ना, स्माइल करो। यहाँ पे खाना लगता था, अलग अलग डिशेज इन अलग अलग एरियाज। हाउ कूल इज दिस बुफे सिस्टम। इधर भी जाएंगे क्या पीछे? थैंक यू आर्यवीर फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी। कबूतर दिख गया शैनवी को। Thank you, baby. ये पीछे आ गए ना मुझके। तो यही अकबर का ये पलंग है, बेड जाने के लिए जो सीढ़ियां होती है ना, लेडर्स। हाँ, ये अकबर का बेड है। नीचे समर बेड और ऊपर विंटर बेड। हाँ, असल में ये तानसेन संगीत सुनने के लिए भी। ये चिमनी है देखो, वो छोटा वो छोटे छोटे वो चिमनी। ये इयररिंग्स का डिजाइन है। यहाँ जोधा का खाना बनता था और वहाँ रुकमा बेगम शायद नाम भूल गई, सॉरी, मुस्लिम जो क्वीन थी वहाँ उसका बनता था, क्योंकि वो नॉन वेज था और ये वेज था। जोधा की हवेली। ओ अच्छा, तो जो रुकमणी बेगम थी उनका छोटा सा था और ये जोधा का था। कैया बेगम, सॉरी, मैं नाम गलत कर रहा हूं। अगर होता बच्चा तो अच्छा मकान मिलता। अच्छा, ये मरियम थी ना, हालांकि तीसरी बेगम, हाँ तीसरी वाली। और ये महारानी जोधा की हवेली, अंदर जाएंगे जहाँ मंदिर था राधा कृष्ण। मतलब ये किचन अंदर से जोधा की किचन। अब कोई गाइड अंकल। अच्छा, ये देख ले जो बालकनी है ना, क्योंकि राजस्थान में जाएंगे जो बड़ा मकान होता है हवेली, तो हमें लगता है अकबर के पास टेलीफोन नहीं था, सेल फोन तो जोधा भाई यहाँ, और ये नीम नहीं था, तो अकबर वो विंटर बेड है ना। अच्छा अच्छा, बड़ा मुश्किल होता है, किसको सलाम वालेकुम, किसको नमस्कार, किसको गुड मॉर्निंग। It's so beautiful, Arivir. Okay. सही है। उसको ने एक बच्चा पैदा किया, उसको ही मिल गया। आरिवीर वहाँ जाके आओ क्या? वहाँ जाके आओ क्या? अच्छी पानी। क्या है? इसको दे दूं क्या हाथ में? एक बार फोन कर लूं। जस्ट अ कॉर्नर, जस्ट अ रूम, इस साइड भी जस्ट अ रूम। ये दासियों के कमरे थे शायद, अरेवीर जो हाउस हेल्प थे ना, इसके कमरे हाउस हेल्प के रूम्स हैं। रुको, मामा को पकड़ के चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मामा है शानवी के साथ नहीं चढ़ सकते। कनेक्टेड है ये दोनों रूम्स। हाँ, यहाँ ऊपर भी कुछ कुछ है जो खराब हो गया है। यहाँ पे पेंटेड था। हाँ जी शानवी, ये सब पेंटेड भी था। हाउ कूल इज दिस? मम्मी, अरे भी मम्मा पास आओ। हाँ जी आओ, मम्मा नेक्स्ट देख रही है। ये ध्यान से। How cool, Arivir. What's this? That's also another room. And देखो यहाँ पे ये जो ये से बने हुए होल से, ये से दरवाजे बंद करने के लिए होते थे। Come, next देखेंगे। ये कितना सुंदर है। सुंदर नहीं, इसमें छोटी छोटी बैल्कनीज भी हैं। ये तो बंद करा हुआ है, ये मंदिर राधा कृष्ण का। हाँ, अंदर जा सकते हैं, मूर्तियाँ नहीं है Arivir। यहाँ आओ, यहाँ आओ, देखो यहाँ पे राधा कृष्ण की मूर्ति थी पहले, पापा आ रहे हैं। स्कल्पचर्स पे बेल्स बनी हुई हैं।
ये पानी के लिए आ रहे वीर, पानी चलता था इसमें पूरा, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम भी, एंड आई गेस हवा ठंडी आएगी पानी के थ्रू। ये जोधा के पैलेस के बाहर ये चर्च था, क्योंकि जो थर्ड वाइफ है उसका घर वो था। हाँ से पिकअप दे रहे हो, थैंक यू फॉर टेलिंग मी आर्य वीर। ये हम उधर पैलेस से निकले, ये फतेहपुर का बॉर्डर है, तो अब ये फतेहपुर स्टार्ट हो जाता है और पैलेस के उस पार सीकरी था। यहाँ सूफी संत रहते थे और अकबर ने उनसे लाइक मन्नत मांगी थी कि मेरा बेटा हो जाए। फिर जब जहांगीर बॉर्न हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारा पैसा देना चाहता हूँ, और उसने कहा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, अब धार्मिक जगह पे जहाँ हम अभी जा रहे हैं दरगाह में, क्या वहाँ पे पैसे लगाइए। ये कमरे बने हुए लेडीज जिनके फादर्स, हस्बैंड्स, ब्रदर्स किसी जगह मर जाते थे वॉर में, और उनके लिए फ्री में रहना खाना, बस ये है कि जो भी आपका टैलेंट है आप काम कर सकते हो यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं अभी बुलंद दरवाजा, वहाँ पे ये गुजरात में जब अकबर जीता था तब उसने बनाया था। बंदर देखिए आपको, ये बुलंद दरवाजा है, कितना सुंदर है। मुझे तो मतलब ऐसे ऊपर वाली चीजें देखने ज्यादा मजा आता है। बहुत ज्यादा गर्म लगे तो बता देना, वैसे साफ साइड देख के देखते चलो। और ये है दरवाजा पीछे देखिए। अरे वाह, अरे वीर ये फतेहपुर सीकरी, नहीं फतेहपुर सॉरी, ये फतेहपुर यहाँ से आता है। ओ बाप रे, ये बुलंद गेट, इसको इसको बोलते हैं बुलंद दरवाजा। ये है सर, कितना जाएगा एंटिंग है, हमें लगा था उस तरफ से, ये इस तरफ से गर्म भी है। हाँ मैडम जी, गिनना चाहो तो काउंट कर सकते, सीढ़ियाँ 52 है क्या? नहीं 52 सीढ़ियाँ, गिगांटिक, आई डोंट नो कैमरा में कितना ये रियलाइज हो रही है बात, बट एक नॉर्मल पैलेस एंड फोर्ट्स के दरवाजे से बहुत ज्यादा बड़ा है। वाह, ये बहुत ज्यादा ऊपर है। लाइक समझ लो अगर आप किसी पैलेस या कहीं गए हो तो उसका ऑलमोस्ट डबल द हाइट है। अब ऐसे बैठ गए शानवी, एकदम से बोलने लगी ऑटो ऑटो, फिर हमने रियलाइज किया अरे तो फर्स्ट टाइम बैठ रही है। बहुत अच्छा रे, फर्स्ट हो रहा है शानवी का। ये आइसक्रीम वाले भैया